92 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आयशा मुमताज, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। इस जुमले को सुन के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में किसके बारे में बात करने जा रही हूं। लेजेंड, सुर और ताल के खुद साख्ता बादशाह, सुरों के सरताज चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। जी नाजरीन, करोड़ों दिलों की जान, ऐसा ये वो खुद बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे। चाहत फतेह अली खान ने पाकिस्तानी अवाम को कानों के दर्द के सिवा कुछ ना दिया। चाहत फतेह अली खान की आवाज़ सुन के या तो आप हंसेंगे या आप रोएंगे या आप ये अपने आप को कोसेंगे कि मैंने ये क्या सुन लिया। चाहत फतेह अली खान की आवाज़ बिल्कुल बाजे जैसी है। 14 अगस्त की रात को लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं चाहत फतेह अली खान के गाने से। जैसे बाजे की आवाज़ आपके कानों में चुभती है, बिल्कुल वैसे ही चाहत फतेह अली खान की आवाज़ भी हमारे कानों में वैसे ही चुभती है। चाहत फतेह अली खान ने अपना नया सुर लॉन्च किया। 5 माह पहले इन्होंने एक नया सुर लॉन्च किया जिसका नाम रखा इन्होंने राग मोहब्बत। जी नाजरीन, उनके मुताबिक वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले यंगस्टर्स को ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। बिल्कुल वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं जैसा हम लोग सुनते हैं गानों का बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं वो। उसके अलावा वो कहते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलर हूँ, मैं पिछले 8 साल से गाना गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन अब तक गाना उन्हें नहीं आया। इनके मुताबिक कोई भी सिंगर बन सकता है, बस उसे गले का रियाज यानी प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। किसी को थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है तो किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ताहिर शाह ने गाना आई टू आई और एंजल में गाना गाने की प्रैक्टिस की हुई है। चाहत फतेह अली खान के चाहने वालों के लिए है एक बड़ी खुशखबरी। जी नाज़रीन, चाहत फतेह अली खान की शागिर्द बनने से आप लोग महरूम नहीं होंगे अब, क्योंकि चाहत फतेह अली खान मार्च और अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो उनके चाहने वाले हैं उनकी शागिर्दगी से महरूम ना रहे। चाहत फतेह अली खान के मुताबिक मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, मोहब्बत तो किसी भी उम्र में हो जाती है, मोहब्बत रंग हाइट वेट नहीं देखती, बस इंसान का खुद पे कंट्रोल होना चाहिए और उनके मुताबिक उनका कंट्रोल नहीं है, वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। बस उन्हें डर लगता है कि कहीं हार्ट ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि जब हार्ट ब्रेक होता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। मौसीकी का बेड़ा गर्क करने के बाद बारी आई इलेक्शन की, तो जनाब पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के मेरी भी पार्टी रजिस्टर करवा दो। इन्होंने NA 128 से पार्टी रजिस्टर करवाने का सोचा तो इन्हें मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि ये तो बरतानवी रियासत के थे और ये 2 जगह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। पिछले 8 साल से जनाब कोशिश कर रहे हैं गाना गाने की लेकिन अब तक गाना गाना इन्हें नहीं आया। इन्होंने गाने के बेड़ा गर्क करके रख दिया है, अच्छे भले गाने जैसे कि कमीज तेरी काली, कहानी सुनो, इन गानों का किया है इन्होंने बेड़ा गर्क। उसके अलावा आप इनके गाने सुने, दूसरे गाने आपके कानों में रस घोलते हैं लेकिन इनकी आवाज़ बिल्कुल बाजे जैसी है जो आपके कानों को तकलीफ़ देती है। इनके गाने लोटा लोटा बम बम, अक्कड़ पक्कड़ बम बे वो, और उसके अलावा ये जो प्यारा PSL है ये इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से इनको मकबूलियत और शोहरत हासिल हुई। चाहत फतेह अली खान अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और गाना गाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन दिन में ये 8 से 10 घंटे कोशिश करते हैं गाना गाने की और ये 8 घंटा लगाते हैं ये इस तरह के गाने बनाने में। ये जो लोटा लोटा और कमीज तेरी काली, सब गानों का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है और हमारी पाकिस्तानी आवाम इनको सुन के अपने कानों पे हाथ रख देती है कि भाई ये क्या है, क्यों है ये। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए 92 डिजिटल के साथ। अपनी मेज़बान आयशा मुमताज़ को दीजिए इजाज़त।